तो अभी इस बारे में देश भर में बहुत, विशेष रूप से जम्मू कश्मीर में तो ज़्यादा प्रचार ही नहीं है, जानता भी नहीं है लोग। तो हम लोग सोचा जी इस बारे में, अभी जागृत। जम्मू कश्मीर की आर्टिकल 370 हट गया और अभी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की जिस स्टेप का काम चालू हो रहा है, तो इसी का तहत हम लोगों को, जम्मू कश्मीर का लोगों को, जो अनुसूचित जाति वर्ग का लोग है, जो परसेंटेज है, तो इसी लोगों के पास भी हम लोगों के वार्ता देना चाहिए। तो आप लोग मीडिया हमारा गणमाध्यम, लोकतंत्र की चतुर्थ स्तंभ है, आप लोगों का थ्रू से पूरा जम्मू कश्मीर के लोगों को, देश देश भर के लोगों की वार्ता कमीशन की तरफ से हम लोग देने के लिए आया है। जो कभी भी कोई जगह में कोई अनुसूचित जाति परिवार के ऊपर किसी भी टाइप का रेप, हत्या, मर्डर कुछ भी हो सकता है, एक स्लिप ओनली कंप्लेन कमीशन का नजर में आएगा, तो वो रेप और मर्डर किसी दूसरा कास्ट का तरफ होगा तो उस पर एट्रोसिटी लग जाएगा। एट्रोसिटी लगने के बाद उसी परिवार को जब भी FIR होगा, FIR में जो नाम होगा, इस पर कमीशन पास आने के बाद भी उस परिवार को 4,25,000 रुपया उसी टाइम से ही मिल जाएगा, एट द ऑन द स्पॉट। वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट वो प्रोवाइड करेगा। बाद में जब FIR ये हो गया आपका, वो चार्जशीट बन जाएगा, तो उसके बाद बाकी और पैसा 4,25,000 रुपये उनको मिलेगा। मतलब ये जानकारी नहीं है, बहुत सारे केस ऐसे होता है जो शेड्यूल कास्ट परिवार के ऊपर होता है, और उसमें कोई जनरल कास्ट का लोगों को उनके ऊपर वो 21% होता है, इसमें एट्रोसिटी नहीं लगता क्योंकि जानकारी नहीं है। तो अभी आप लोगों का मतलब ये जानकारी देने चाहते हैं, इसी वर्ग का कोई भी लोग होगा अगर इस टाइप कंप्लेन होगा तो उसका आप लोग भी हमारे साथ संपर्क कर सकता है। वो सिर्फ एक कंप्लेन व्हाइट पेपर में देने के बाद भी हम लोग इसका कार्रवाई कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट पे आर्टिकल 330 प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट लग जाता है, और उसके बाद उस परिवार का वो सहायता मिल जाता है। ये कानून में है, ये संविधान में है, ये संवैधानिक अधिकार है इसको, श्रेणी को, लोगों को।